जी तो दोस्तों, आज के आई फैक्टर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड वेज के एज अ नाउन और एज अ वर्ब मीनिंग को जानेंगे। वर्ड वेज को यूज़ करते हुए इंग्लिश में डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्टर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, वेज का पहला मीनिंग एज अ नाउन होता है वेतन के, उजरत के। जिस तरह मैं किसी फिक्स्ड अमाउंट के लिए कहीं पे काम करता हूँ, रोज़ाना मुझे पैसे मिलते हैं, जिस समय मजदूरी करता हूँ तो मैं फिर कहूँगा कि मैं डेली वेजेस के ऊपर काम करता हूँ। जैसे आई वर्क ऑन डेली वेजेस, के मैं रोज़ाना की उजरत पे काम करता हूँ, यानी कि मैं रोज़ाना काम करता हूँ तो मुझे 1,000 रुपये मिलते हैं। आई वर्क ऑन डेली वेजेस। इसके अलावा वर्ड वेज का मीनिंग होता है जिसका किसी पे जंग मुसलत कर देना, उस सूरत में हम कहते हैं वेज अ वॉर। तो यहाँ पे जिस हम सेंटेंस बनाते हैं कि जैसे मैं कह सकता हूँ, दे आर वेजिंग आ वॉर ऑन अस, कि वो हम पर जंग मुसल्लत कर रहे हैं, यानी कि वो हम पे हमला करने वाले हैं, या वो चाहते हैं कि हमारी लड़ाई हो, जंग हो। दे आर वेजिंग अ वॉर ऑन अस। एक और सेंटेंस बना लेते हैं वर्ड वेज को यूज़ करते हुए, जिस तरह मैं कह सकता हूँ कि वॉट आर योर वेजेस, कि हम किसी को कहते हैं यार ये हमने पूरे घर की सफाई करनी है तो तुम्हारी मजदूरी कितनी होगी, तुम्हारी उजरत कितनी होगी, तुम्हारा वेतन कितना होगा, वॉट आर योर वेजेस। तो दोस्तों, हमने देखा वर्ड वेज का मीनिंग होता है उजरत के और या फिर वेतन के, या फिर जंग मुसल्लत करना, किसी के ऊपर कोई चीज़ ठूंसना को वेज कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे आई फैक्टर के नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।